नमस्कार, फल में बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। झोले में मिठाई लेकर हॉस्पिटल पहुँची हेमा मालिनी। नातिन को देखने के लिए बेताब दिखाई दिए हेमा और धर्मेंद्र। एक्ट्रेस ईशा देओल दूसरी बार माँ बनी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मंगलवार को फैंस के साथ इस खबर को शेयर भी किया। ईशा देओल इस वक्त हिंदुजा अस्पताल में एडमिट है। बेटी ईशा देओल के माँ बनने की खबर सुनते ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी बेटी से मिलने अस्पताल पहुँच गए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया। दोनों के साथ एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में मिठाई के डिब्बों का झोला भी दिखाई दिया। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के चेहरे पर नाना नानी बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ईशा ने 10 जून को बेटी को जन्म दिया है। देओल परिवार के लिए ये मौका बेहद खास है। लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी सनी देओल को मिली जीत के बाद उनके घर में नन्ही परी आई है। ईशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के नाम का भी खुलासा किया है। उन्होंने बेटी का नाम म्यारा तख्तानी रखा है। ईशा ने लिखा, प्यार और आशीर्वाद के लिए सभी को धन्यवाद। बता दें कि ईशा देओल ने एक्टिंग को अलविदा कहते हुए 2012 में बिजनेसमैन भारत तख्तानी से शादी की थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम राध्या है। इसी साल जनवरी में ईशा ने बेहद स्पेशल तरीके से अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा किया था। उन्होंने अपनी बेटी राध्या की सोफे पर बैठी हुई एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, मेरा प्रमोशन हो रहा है। आपको बता दें कि जब हेमा और धर्मेंद्र अपनी बेटी और नातिन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे तो मीडिया को देखकर धर्मेंद्र ने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन भी किया और इन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दी। वैसे आपको बता दें कि ईशा देओल अपनी प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड काफी इंजॉय करती नजर आई थी। उन्होंने कई फोटोशूट्स भी करवाए थे, यहाँ तक कि उन्हें पार्टीज और इवेंट में बेबी बम को फ्लॉन्ट करते भी देखा गया था। बहरहाल अब जब ईशा देओल दूसरी बार माँ बन गई है तो उन्हें कंग्रेचुलेट करना तो बनता ही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।